इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां सभी लोग अंधे हैं। इस दुनिया में एक ऐसा इंसान पहुंच जाता है जो उन्हें लाइट के बारे में बताता है, दिखाई देने वाले विजिबल यूनिवर्स के बारे में बताता है, लेकिन वो अंधे लोग उस पर कभी यकीन नहीं करते क्योंकि वो चाहकर भी इस दुनिया को नहीं देख सकते। हम इंसानों की भी कुछ ऐसी ही हालत है इस यूनिवर्स में। रात के चमचमाते आसमान में मौजूद है एक ऐसी दुनिया जिसे हम नहीं देख सकते, जिससे सदियों से हम अनजान थे, लेकिन आज मॉडर्न साइंस की आंखें इस दुनिया को लगातार देख रही हैं, और इन आंखों से इस दुनिया को देखना हमारे लिए वैसा ही होगा जैसा एक अंधे इंसान को आंखें मिलना। पृथ्वी पर 8 अरब लोग मौजूद हैं और 1% से भी कम लोग इस दुनिया से वाकिफ हैं, लेकिन आप सभी उन बाकी बचे 99% भीड़ का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि आज हम सैर करने वाले हैं इसी इनविजिबल दुनिया की, जिसे देखना ना सिर्फ आपको एक नई नजर देगा बल्कि इन तारों में छुपी दुनिया आपके दिल और दिमाग को शांत कर देगी। तो चलिए आज सभी चिंताओं को छोड़कर चलते हैं अंतरिक्ष की एक नई दुनिया में। ये है हमारी पृथ्वी। आपकी जिंदगी के कई साल गुजर गए होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप एक 13,000 किलोमीटर चौड़े गोले पर बैठकर ब्रह्मांड में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहे हैं? पृथ्वी ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। 4 अरब साल के इतिहास में पृथ्वी ने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है। पृथ्वी पर 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स उत्पात मचाया करते थे, लेकिन सिर्फ एक एस्ट्रॉइड ने सभी डायनासोर्स का सफाया कर दिया। अब तक जीवन से भरपूर इस ग्रह पर 5 बार प्रलय आ चुकी है, लेकिन फिर भी लाइफ हर बार फिर से पैदा हुई है। फिलहाल पृथ्वी पर हम इंसानों का राज है। हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पृथ्वी की रक्षा कर रहा है हमारा चांद। चांद हमें अपनी ओर बुला रहा है। चांद की ये वीरान भूमि इसके जन्म काल से सूनसान पड़ी है। जीवन की सूक्ष्मतम हलचल भी यहां दिखाई नहीं देती। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, इसलिए चांद पर पृथ्वी की तरह उजाला नहीं होता। यहां का आसमान हमेशा काला नजर आता है। चांद पर सूर्योदय कुछ इस तरह दिखाई देता है, और चांद से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह दिखाई देती है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ने से पहले अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी को जी भरकर देख लेते हैं। क्या पता इस यात्रा में हम वापस लौट पाएंगे भी या नहीं। पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर ये है पृथ्वी की बहन वीनस। इसका जन्म भी 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के साथ ही हुआ था। माना जाता है कि इतिहास में कभी ये ग्रह पृथ्वी की तरह हुआ करता था, लेकिन अब इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का राज है। इसके बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड का जहर भरा है और इसकी भूमि गर्मा गर्म लाल तवे की तरह है। यहां मौजूद है जानबाज सोवियत रोबोटिक प्रोब, जो अब यहां क्रैश हो चुका है, लेकिन ब्रह्मांड के इतिहास में इसका नाम हमेशा दर्ज रहेगा। वीनस पृथ्वी की तरह कभी शांत, हरा भरा और शायद जीवन से भरपूर भी रहा होगा, लेकिन फिलहाल ये करोड़ों सालों से तबाही के मंजर से गुजर रहा है। हमारी स्पेसशिप यहां अधिक देर नहीं रुक सकती। अब हमें आगे बढ़ना होगा। हम पहुंच चुके हैं अपने सोलर सिस्टम के सबसे छोटे ग्रह मर्क्यूरी के पास। मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, जो कभी एक बड़ा प्लैनेट हुआ करता था,
लेकिन इतिहास में हुई किसी कॉस्मिक टक्कर से इसका एक बड़ा भाग इससे अलग हो गया। मर्क्यूरी सूर्य के सबसे करीब होने से काफी गर्म है। यहाँ दिन का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और वहीं रात में 175 डिग्री सेल्सियस। हालांकि यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। मर्क्यूरी से हमें अपना सूरज 3 गुना बड़ा दिखाई देता है। हम सूर्य के काफी करीब आ चुके हैं, अब हमें और आगे चलना चाहिए। इस दिव्य उज्जवल सूर्य को हम बरसों तक निहार सकते हैं। लगता है कि इसकी सुंदरता के सामने ब्रह्मांड की हर चीज बेकार है। हमारे सौर मंडल का केंद्र यही है, जो सभी ग्रहों को थामे हुए है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा ये गोला अंतरिक्ष में 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बेखौफ घूम रहा है और इसके साथ हम भी इतनी ही गति पर ब्रह्मांड में सैर कर रहे हैं। ये 200 किलोमीटर हमारे लिए भले ही काफी अधिक हों, लेकिन 14 लाख किलोमीटर चौड़ाई वाले इस अग्नि पिंड के लिए ये अंतरिक्ष में एक पैर रखने के बराबर भी नहीं है। सूर्य के पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इसका सरफेस टेम्परेचर 6000 केल्विन है। रात के आसमान में दिखाई देने वाले सभी सितारे इसी सूर्य की तरह प्लाज्मा के सागर हैं, और हमारी पृथ्वी पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हमारे सूरज से आने वाला प्रकाश हमारे ग्रह पर 8 मिनट में पहुंचता है, लेकिन उसी प्रकाश को इसके केंद्र से निकलने में 1,00,000 साल का समय लग जाता है। इसके केंद्र में हम अपनी स्पेसशिप को नहीं ले जा सकते। अभी हमारी स्पेसशिप की प्रोटेक्टिव शील्ड इसकी गर्मी को सहन नहीं कर सकती। अब हमें आगे बढ़ना होगा। यह है वो ग्रह जहां भविष्य में रहने वाले जीव हमारे कॉस्मिक पड़ोसी होंगे। मंगल, जिस पर टिकी है हमारी नजर। भविष्य में यहां आना जाना हमारे लिए एक आम बात होगी। पृथ्वी की तरह यहां भी एक नई दुनिया बसाई जाएगी। यहां रहने वाले लोग होंगे मार्शियंस। फिलहाल मंगल पर 5 रोबोट रहते हैं, क्यूरियोसिटी, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिट, सोजनर और प्रिजर्वरेंस रोवर। भले ही ये रोबोट्स हों, लेकिन यही रोबोट्स मंगल पर हमारे भविष्य के जीवन की नींव बनाने का काम कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मंगल बसने वाले लोगों के पहले पूर्वज यही होंगे। मंगल पर कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनके अनुसार यहां पर कभी नदियां बहा करती थीं। हो सकता है कि यहां जीवन भी रहा हो। फिलहाल मंगल पर पानी बर्फ के रूप में जमा है। हो सकता है कि इतिहास में यहां किसी प्रकार का जीवन भी रहा हो, या हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल से ही आया हो। खैर, मंगल पर तो हम भविष्य में रहने ही वाले हैं, लेकिन हमें और आगे की भविष्य की नींव भी रखनी है। हमारे आगे का रास्ता काफी खतरों से भरा होगा। ये हैं एस्ट्रॉइड्स। हम गुजर रहे हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट से। ये वही जगह है जहां से माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एस्ट्रॉइड हमारी धरती पर आकर गिरा था और डायनासोर को खत्म कर दिया था। हमें ऐसे हजारों एस्ट्रॉइड से बचकर आगे जाना होगा। फाइनली हम एस्ट्रॉइड बेल्ट को पार कर चुके हैं। ये है हमारी पृथ्वी का बड़ा भाई जुपिटर। पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा ये दानव अपने अंदर सौर मंडल के सभी ग्रहों को थाम सकता है। इस पर घूम रहे ये क्लाउड्स अमोनिया और पानी के भंडार हैं। जुपिटर एक गैस जायंट है। इसमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, बल्कि ये गैस से भरा एक गुब्बारा है।
लेकिन जुपिटर के पास एक सॉलिड कोर है जो कि हमारी पृथ्वी जितनी बड़ी हो सकती है। अगर हम जुपिटर के अंदर जाएं, तो हम फ्री फ्लोट करते रहेंगे। जुपिटर पर जीवन की कल्पना करना तो बिल्कुल असंभव लगता है, लेकिन इसके चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना हो सकती है। जुपिटर के चंद्रमा कैलिस्टो के नीचे समुद्र का होना संभव है और वहां जीवन की संभावना हो सकती है। कैलिस्टो सोलर सिस्टम का वो चांद है जिसपे सबसे अधिक एस्ट्रॉइड्स के हमले हुए हैं। अगर आप इस पर मौजूद हजारों चमकीली संरचनाओं में खड़े हो जाएं, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा ब्राइट है कि वहाँ चारों तरफ लाइट ही लाइट मौजूद होगी और हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें बहुत कुछ देखना बाकी है। अब हम आगे चलते हैं। ये है शनि, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह। लेकिन इस खूबसूरत ग्रह की आवाज थोड़ी डरावनी लग सकती है। जरा इसे आप खुद सुनकर देख लीजिए। शनि भी एक गैस जायंट है। इसके अंदर कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। ये इतना हल्का है कि ये पानी में भी फ्लोट कर सकता है। ये है शनि का चांद टाइटन, जिसे हम भविष्य की पृथ्वी भी कह सकते हैं। जब हमारा सूरज सुपरस्टार रेड जायंट बनकर फैल जाएगा, तब हमें पृथ्वी को छोड़कर यहां पर रहना पड़ेगा। टाइटन सोलर सिस्टम का काफी अद्भुत ग्रह है। यहां नदियां, झीलें, सागर हैं। पृथ्वी की तरह ऋतुएं भी हैं, लेकिन यहां मौजूद नदियां और सागर मीथेन के तरल रूप में मौजूद हैं। टाइटन के काफी ठंडे होने की वजह से हम वहां नहीं रह सकते। हमारे सूरज को फैलने में अभी 5 अरब साल और बाकी हैं। तब तक हमें और नए ग्रहों की खोज कर लेनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रुकिए, जरा शनि ग्रह से हमारी धरती को तो देखिए। ये एक छोटा सा पेल ब्लू डॉट, यही हमारी पृथ्वी है। जरा इसे एक बार और निहार लीजिए, क्योंकि आगे हम इसको नहीं देख पाएंगे। अब और आगे चलने पर हमें सोलर सिस्टम के जुड़वां भाई यूरेनस और नेपट्यून दिखाई देते हैं। ये दोनों आइस जायंट्स हैं। जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, उस वक्त सौर हवाओं की वजह से हल्के कण दूर बहकर आ गए थे। उसी मटेरियल से ये दोनों ग्रह बने हैं। ब्रह्मांड में आगे और कई विचित्रताएं हमारा इंतजार कर रही हैं। हमें इन्हें अलविदा कहना होगा। ब्रह्मांड में हम काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन जितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, अभी तक हम उसे एक कण भर भी नहीं जान पाए हैं। प्लूटो के आगे भी कई छोटे मोटे विचित्र पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में और आगे बढ़ने पर हम पहुंच जाते हैं काइपर बेल्ट में। ये पिछले एस्ट्रॉइड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी संरचना है और इसने पूरे सोलर सिस्टम को घेर रखा है, और इससे आगे कॉमेट्स की एक और विशाल संरचना ने सौर मंडल को ढका हुआ है। यह है ऑर्ट क्लाउड, जो कि एक प्रकाश वर्ष में फैली हुई एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की रिंग है। अब हमारे आगे के सफर में लाखों साल लग सकते हैं, इसलिए हम सबको डीप स्लीप में जाना होगा। पृथ्वी से 25 खरब किलोमीटर दूर हमारी स्पेस शटल में राइड करते अब 150,000 साल का समय बीत चुका है, और हम पहुंच चुके हैं हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक नए सोलर सिस्टम में। इतने सालों के इंतजार के बाद हमें यहाँ एक विचित्र नजारा देखने को मिलेगा। ये है अल्फा सेंचुरी, जहाँ एक नहीं बल्कि 3 सितारे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद ऐसी अनंत विचित्रताएं हमारा इंतजार कर रही हैं। अब हमें और आगे बढ़ने के लिए वर्म होल से जाने की जरूरत होगी। ये है स्टीफनसन 2-18, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा। ये सूरज से 2000 गुना बड़ा है। इसमें हमारे सूरज जैसे 2 अरब तारे समा सकते हैं। लेकिन तारों के ब्रह्मांड में और भी कई रूप हैं। ये है एक व्हाइट ड्वार्फ।
हमारे सूर्य जैसे सितारे मरने के बाद ऐसा ही रूप ले लेते हैं। इसकी ग्रेविटी सूरज से 10,000 गुना ज्यादा होती है। इस पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन 15 टन के बराबर होता है। ये अधिक चमकीली नहीं होती क्योंकि इनके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। यह है एक न्यूट्रॉन स्टार जो कि साइज में हमारे सूर्य से काफी छोटा है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल उससे करोड़ों गुना ज्यादा है। इस पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन 2 अरब टन के बराबर होगा। ये इतना अधिक डेंस होता है कि यहाँ एटम्स भी टूटकर बिखर जाते हैं और ये मोस्टली न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना होता है। इस वजह से यहाँ पर एक विचित्र केमिस्ट्री का जन्म होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अगर वो लाइफ एग्जिस्ट करती है तो ऐसे जीवों की आयु सिर्फ कुछ मिलीसेकंड ही होगी। ब्रह्मांड में न्यूट्रॉन स्टार से भयंकर सितारों के रूप भी मौजूद हैं। हमें अपनी स्पेसशिप में एक विचित्र एलियन सिग्नल मिल रहा है। चलिए इस सिग्नल का पीछा करते हैं। ओ, ये हम कहां आ गए? तो ये सिग्नल यहां से आ रहे थे। ये देखिए, एक एलियन स्पेसशिप किसी ब्लैक चीज की तरफ लगातार खींची चली जा रही है, लेकिन हम इसे नहीं बचा सकते क्योंकि ये ब्लैक होल में जा रही है और इसके साथ हम भी इस ब्लैक होल में लगातार खींचे चले जा रहे हैं। ये ब्लैक होल ही ब्रह्मांड का सबसे भयंकर ऑब्जेक्ट है। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु इसके पकड़ में आ जाए तो उसका छूटना असंभव है, और फिर वो चाहे प्रकाश भी क्यों ना हो, प्रकाश की तेज गति भी इसके सामने अपना दम तोड़ देती है। ब्रह्मांड में घूमते घूमते हमने एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। हमारी स्पेसशिप अब टूटने लगी है, लेकिन हमारे पास एक तरीका है, वर्म होल। हमें किसी वर्म होल से बाहर निकलना होगा। वर्म होल की मदद से हम ब्लैक होल से बचकर अपनी गैलेक्सी के बाहर आ चुके हैं। वर्म होल अंतरिक्ष में एक ऐसा छिद्र है जिससे हम अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी बिना समय गवाए जा सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। हमारी इस गैलेक्सी में ऐसे 10 करोड़ ब्लैक होल मौजूद हैं और इसके अंदर 1 अरब न्यूट्रॉन स्टार्स मौजूद हैं और 10 अरब व्हाइट ड्वार्फ्स भी मौजूद हैं। इसमें 10 से 400 अरब प्लैनेट्स मौजूद हैं और इतने ही स्टार्स इसके अंदर मौजूद हैं, और ना जाने ऐसे कितने अजीब ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें अभी तक हमने नहीं जाना है, और इन सबको, इतने सारे मैसिव ऑब्जेक्ट्स को जिसने थाम रखा है वो है इस मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। हमारी ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अगर लाइट भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाए तो लाइट को भी 1,00,000 साल लग जाएंगे। हमारी पृथ्वी इस गैलेक्सी के कोने में सैजिटेरियस आर्म में मौजूद है। यहाँ पर अभी हमें अपनी पृथ्वी नहीं दिखाई दे रही। इस समुद्र के सामने अभी हमारी धरती एक बूंद के बराबर भी नहीं है। अब हम यूनिवर्स से बाहर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में आ चुके हैं। इस इंटरगैलेक्टिक स्पेस में भी काफी डस्ट, गैस और प्लाज्मा मौजूद है, और हमारी जैसी लाखों गैलेक्सीज यहाँ मौजूद हैं। ऐसी कई अरबों गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं, जिनमें ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। दोस्तों, अभी हम एक सुपर क्लस्टर तक पहुंच चुके हैं। ये कई गैलेक्सीज के लोकल ग्रुप्स का समूह है। ये है वर्गो सुपर क्लस्टर। इसमें दिखाई देने वाला एक एक डॉट एक एक गैलेक्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर हजारों गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन इससे भी आगे चलने पर हमें ऐसे कई सुपर क्लस्टर्स का समूह मिलता है। यह है लानियाकिया सुपर क्लस्टर। इसके अंदर कम से कम 1,00,000 गैलेक्सीज मौजूद होंगी। इससे आगे चलने पर लेनाकिया सुपर क्लस्टर जैसे कई सुपर क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं, और ये सब कुछ इस तरह कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं जैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कनेक्टेड हों। ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग से काफी कुछ मेल खाती है,
हो सकता है कि हम किसी बड़े सेलेस्टियल बीइंग के दिमाग में रहने वाले एक छोटे से प्राणी हों। चलिए अब हम इस दिमाग से बाहर निकल के देखते हैं। चलते चलते हम पहुंच गए हैं अपने यूनिवर्स के बाहर। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसके अंदर करीब 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये पूरा 93 अरब लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और लाइट को इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 93 अरब साल तक चलना होगा। वैज्ञानिक लोग अभी तक इसके आगे नहीं देख पाए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके आगे ऐसे और भी यूनिवर्स मौजूद हो सकते हैं। इन सब यूनिवर्सेस के अपने अलग अलग नियम हो सकते हैं और इन सब में ना जाने कैसे अजीब ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी हमने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। ब्रह्मांड में जहां हम खड़े हैं, यहां प्रकाश की गति से पहुंचने में हमें 46 अरब साल लगेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड ने अपने जन्म से लेकर अब तक 13.8 अरब साल का सफर तय किया है और आने वाले समय में ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं होंगी, क्या हम पृथ्वीवासी कभी अपने कॉस्मिक भाइयों को खोज पाएंगे या क्या फिर इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा पाएंगे, हम इतने बड़े ब्रह्मांड को पूरी तरह कैसे जान पाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह ब्रह्मांड भी कभी खत्म होगा? हमारा ब्रह्मांड कब और कैसे खत्म होगा, ये आगे की कहानी है। लेकिन आज हमारे ब्रह्मांड का सफर यहीं खत्म होता है। ब्रह्मांड के अरबों सालों के इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई हैं और आने वाले कल में क्या क्या होने वाला है, इस सभी को हम जानेंगे किसी और सफर में। फिलहाल हम अभी पृथ्वी पर वापस आ चुके हैं। उम्मीद रखते हैं कि आपको ये सफर काफी अच्छा लगा होगा। हमारी यूनिवर्स की इस नई रियलिटी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कॉस्मिक आंखों से इस इनविजिबल दुनिया को देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।